आई चेंज इन यूनिवर्सिटी लाइफ ठीक है मैं फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर में चेंज हुआ और मैं हैरान होता था कि मैच्योर माशा पढ़े लिखे लोग अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी गेट के बाहर जीन्स में और टाइट शर्ट्स में ड्रॉप करके जा रहे हैं ठीक हाँ। तो है ना तो दीनी नॉलेज उनको मिली हुई है ना तो कोई उनकी वैल्यू सिस्टम है ना उनकी कोई बहुत आला तरबियत की हुई है ठीक है और वो अंदर भेज रहे हैं जैसे एक हिरन को शेर के जेल हाँ, में जरा फेंक दिया जाए और फिर वो शी गोज स्पें हमारी क्लास दो घंटे की है चार घंटे की है ठीक है हमारे में तो तीन घंटे की हुई थी एंड शी स्पेंडिंग हर डे कि हम कमाई कर रहे हैं और ग्रुप इन नॉर्मल लाइफ दे दे वुड नेवर डू दिस कि अपनी बेटी को जाके किसी पार्क में छोड़ जहाँ बहुत सारे दे मर्द हैं अरे भाई कुछ लोग तो कुछ माएँ तो ये भी सोचती हैं कि मेरी बेटी जो है ना कोई अपना रिश्ता वगैरह भी ढूंढ लेगी अपना आगे का फ्यूचर का भी बना लेगी ये भी मोटिवेशन होती है कुछ वो ये भी है ना कि लोग कहते हैं कि दिस इज पॉजिटिव दिस्यूजन कि मेरा बच्चा कम से कम गुमराह नहीं होगा ठीक है एन एम के पॉलिसी नॉट माई केड नॉट माई केड क्यों क्योंकि वो कहते हैं कि हम आप जितना देखें आप परेशान हो ना क्योंकि आपने तरबियत नहीं की भी हमने तो जरा बहुत तरबियत की हुई है और हमने तो इतना अच्छा ट्रेन किया हुआ है कि हमारा बच्चा नहीं करेगा आप एक पाँच साल के बच्चे को ये कह सकते हैं कि उसको छुरी दे दो जी कांटा दे दो <coughs> कि नहीं मैंने बड़ी सी तबीयत मैं बड़ा अच्छा बाप बापू जी अपने आंख पे नहीं मारेगा या कान में नहीं मारेगा या नहीं मारे या फिर भी रिस्क नहीं लोगे नहीं रिस्क लोगे एंड फ्लॉलेस सिस्टम कोई भी नहीं होता एक आपने जितनी सी है कि ना पेरेंट्स हैव गिवन अप एक्चुअली

मतलब वी वुड नेचुरली बीइंग ड्रिवन इन दैट वे ही जिस तरह सिस्टम चेंज हुआ है पिछले पंद्रह साल में हमारी डाइट देख लें द मीडिया जो चीजें हमें एक्सपोज कर ले उससे हमारी रूह और हमारा दिल कितना अफेक्ट हुआ है हमारी प्रेफरेंसेस बदल गई हैं आप देख लें पर्सनालिटीज ये जो मैंने कहा ना फ्रेजाइल हो गई आप नोट कर लें हम थोड़े स्ट्रॉन्ग होते थे हम क्राइसिस ले लेते थे जी सही कह रहे हैं आज खुदकुशी पहला थॉट खुदकुशी आता है आपसे थोड़ा सा कोई डिसएग्री कर जाए आपकी जो है वो धुएं छूट जाते हैं सीरियसली मैं इतना इस है हमारे बच्चे जो हैं उनको एंग्जाइटी के प्रॉब्लम्स हैं डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हमने तो कभी मुझे तो हम लोग बल्कि आप आई जेन वाली जो वो रिसर्च कोट कर रहे थे एक बार कि

ये बहुत इंप्रेशनबल एज है इस इस एज के अंदर जो है ना इंसान अपना रास्ता तय करता है इस एज के अंदर इंसान अपना जहन बनाता है किसी चीज़ के बारे में तो आई थिंक हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर कुछ पॉजिटिव्स भी हैं इन सेंस कि इस इस टाइम के अंदर आप देखेंगे लोग बहुत ज़्यादा जो है दीन की तरफ भी आते हैं लोग बहुत ज़्यादा जो है कुछ नेगेटिव uh,

उसकी सबसे जो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड है वो ये है कि एम आई बींग वैल्यूड और नॉट मुझे वैल्यू दी जा रही है नहीं दैट्स सैड साइ कि अगर आप इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो कि बच्चा आता है गिव अटेंशन गिव एम वैल्यू hmm. जो अराउंड 15 टू 25 फाइव ईर्स की एज है ना सम से सम यू नो चाइल्ड साइकोलॉज से कि अराउंडीन टन टू ट्वेंटी कुछ कहते हैं पंद्रह से पच्चीस के बीच में इसमें दो चीज़ें होती हैं इसमें होता है कि हाउ डू आई लुक और दूसरा वाट माई पीयर्स थिंक ऑफ थिंक ऑफ मी वाट माई कंपनी थिंक्स ऑफ मी एक सिस्टर के मुझे कल रोते रोते मैसेज आया शी वॉज वेरी इमोशनल एंड सी शी सेट के तो अभी मैं गुनाहों के रास्ते भी थी बुरे रास्ते भी थी और एट अ वेरी यंग एज अच्छी तरबीत थी वैसे मैंने वो सब छोड़ा और मैंने हिजाब निकाब करना शुरू कर दिया मैं नमाजें पढ़ना शुरू आई वॉज वेरी हैप्पी आई हैड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन रसमान तला मैं यूनिवर्सिटी में गई पहला सेमेस्टर सारा गुजर गया क्योंकि आई वॉज इनसिक्योर बहुत सारी चीज़ें मुझे हर्ट करती थी तो मैंने किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया और आई वॉज़ कम्फर्टेबल ठीक है क्योंकि इन सेकेंड सेमेस्टर आई क्या हुआ मुझे कि एक लड़के ने मेरी बहुत प्रेज की मेरी तारीफ़ की और सब कुछ तो मैंने उसको अपने फ्रेंड जोन में ले आई और आस्ते आस्ते मैं उसमें yeah. इंटरेस्टेड हो गई और कहती हैं अभी तो सबसे पहले तो जो है ना मेरी आ, हिजाब उतरा जस्ट टू यू नो सेट इन टू दैट कल्चर

जो जिस तरह वो ये बम्बार किए जा रहे हैं और फिर उनको यूनिवर्सिटियों में छोड़ दिया है और यूनिवर्सिटी भी कोई चार्ज नहीं लेती उनकी मॉरल ग्रूमिंग का और उनकी तरबियत का यूनिवर्सिटी कहते हैं कि भाई हम आपको जो दे रहे हैं बस बल्के यही कहते हैं कुछ अगर एडमिनिस्ट्रेशन करना भी चाहे वो नहीं कर सकते नीक वो फॉरन लेफ्टिस्ट मिलिटेंट लेफ्टिस्ट की तरफ से नैरेटिव आता है आप right. देखें लाहौर यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने जी। जी। वो जो कपल था जिन्होंने आपस में प्रपोज किया उनको एक्सपेल किया एक्शन लिया है कि जी, जी, आप गलत कल्चर पेरेंट्स कहेंगे ये क्या हो रहा है वो फॉरेन लेफ्टिस्ट शुरू हो गए इवन हजारा जो इधर है उसने कुछ ड्रेस कोड्स अप्लाई किए ये सारे पीछे पड़ गए उसके <laughs> अच्छा हमारी यूनिवर्सिटी में यह है कि आप बॉयज आप पजामा नहीं पहन के नहीं आ सकते यूनिवर्सिटी में ठीक हाँ. है या आप ऐसे कपड़े नहीं पहन थ्री नहीं पहन क्वार्टॉव <laughs> kind of yes. you know. लेकिन खातन जो मर्जी पहन के आए <laughs> कोई इशू नहीं है आप यूनिवर्सिटी में पतंग नहीं उड़ा सकते आप ये काम नहीं कर सकते कुछ रूल्स हैं लेकिन एक लड़के ने लड़की की गोद पे सर रखा हुआ है और बेंच पे दोनों बैठे हुए हैं इसमें कोई इशू नहीं है उनको और ऑनस्टली जब मैं यूनिवर्सिटी में चेंज हुआ और मैंने जब दीन को पढ़ना शुरू किया मेरा जहन खोला कुड ऑब्जर्व कि ओके उस दर के नीचे बेंच लगा हुआ hmm. है उस दर के नीचे एक स्पॉट बनाया हुआ है स्मोकिंग एरिया वो जहाँ लड़की लड़के दोनों बैठे हैं स्मोकिंग कर रहे हैं hmm. वीड है या सिगरेट है कोई कंसर्न नहीं है ठीक है और कुछ फैकल्टी मेम्बर्स या एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे आके लड़कों के साथ छिख रहे हैं hmm. और वो करें अच्छा यार like, दी दिस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा रही है ओलंपियाड हो रहा है ठीक है किस्म uh, के जो है ना चीजें हो रही है hmm. इस तरह के होने concerts अरेंज करो। hmm. ये आपके मार्क्स हैं इसमें कि आपके कितनी कम्युनिटी सर्विस सर्विस क्या है जो ना एक hmm. नाचने वाले को एक, एक जो है ना भगी नशाई चर्सी को बुला के ठीक है मिरासी को बुला के अपने कॉन्सर्ट अरेंज करना है जिसमें सारे मुसलमान अब्दुल्ला फातम आयशा वो नाचेंगे और आपको हम सर्टिफिकेट देंगे कि आपने ये किया है अनफॉर्चुनेटली ब्रो और इवन ये ये ओलम्पियाड है मुख्तु इवेंट्स हैं इसमें यह है कि आप रातें गुजारनी होती यूनिवर्सिटी में ब्रो ये तो मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ इवन स्कूल्स में आप हेड स्टार्ट देख लें आप देख लें बॉन्न फायर बॉन्न फायर होते हैं सारी सारी रात लड़के लड़कियाँ गुजारते हैं क्लास रूम्स में नो चेक एंड बैलेंस ठीक है इवन टीचर्स भी हमें भाई बता रहे थे कि मैंने रात को बॉर्न फायर पर एक सेशन देने गया उनको ही वॉज अ ट्रेनर लेकिन देनी थे कहते हैं कि एक स्कूल में वो टीचर भागती भागती आई उनकी हेड मिस्ट्रेस थी कौन थी कि जल्दी से मुझे वो पिल दो पिल दो पिल दो नॉट रियलाइजिंग कि मैं बैठा हुआ यहाँ पे अच्छा वो कहती जल्दी दो शी वाज सो क्रेविंग फॉर इट कि मुझे वो पिल दो पिल दो ठीक है और लेने के लिए और वो बच्चे जो है ना वो कह रहे हैं मैम मतलब ये ये हमारे टीचर बैठे हुए हमारे साम, hmm. सामने सामने ठीक है और ये सेशन हो रहा है यहाँ पे एन सी एंड शी रैन अवे और टीचर साथ बैठ के डिफरेंट एस टी सी एल एस डी स्ट्रॉबेरी आइस ये सब भाद कुछ भाद ले भाद रहे, रहे हैं और पेरेंट्स हमारा बच्चा पढ़ रहा है तालीम हासिल करो इल्म हासिल करो चाहे चीन भी चीन तो नहीं जा रहे चलो यहीं पे इल्म हासिल कर लो और आप पे देखे ना अल्लाह माफ करे टीचर के कितने स्कैंडल्स आने लग गए हाँ तो हमारे जमाने में तो हम सुनते भी नहीं थे जरूरत भी नहीं होती थी आज आप देख लें फलाना टीचर ने ये कर दिया हरास कर दिया वगैरह वगैरह